विपक्ष की सबसे मजबूत आवाज तेजस्वी यादव पूर्व मुख्यमंत्री हमारे साथ हैं। तेजस्वी जी, अब लास्ट चरण का चुनाव है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, इस बार हम पहले से कहते रहे कि बिहार चौंकाने वाला रिजल्ट देगा, और जिस हिसाब से हम लोग मुद्दे की बात कर रहे हैं, जनता की बात कर रहे हैं, तो जनता का पूरा भरपूर सपोर्ट, प्यार, समर्थन महागठबंधन इंडिया अलायंस को मिल रहा है, और यहाँ हम लोग जो है काफ़ी अच्छी स्थिति में हैं। बीजेपी कहीं नहीं है, और जो उम्मीद था उनको बिहार से, इस बार बिहार जो है उनको सबक सिखाएगा, क्योंकि 10 साल तक उन्होंने बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया। कोई काम जो है बिहार के लिए स्पेसिफिक आप देखें तो कुछ भी नहीं किया 10 सालों में, बल्कि बिहार ने 40 में से 39 सांसद उनको दिए, तो उस हिसाब से बिहार को कुछ भी नहीं मिला। इस बार भी वो बहुत कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं, बल्कि उन्होंने कहा कि हम तो जो 400 के आंकड़े की बात कर रहे थे उसमें ट्रैप हो गया पूरा अपोजिशन। अब तो 400 का नारा भूल ही गए, फर्स्ट फेज से ही 400 का जो फिल्म था वो फ्लॉप हो गया, और उन लोगों का तो एजेंडा है भाई संविधान को ख़त्म करने का, तो हम लोग तो किसी भी कीमत पर ये नहीं होने देंगे। उनका देख ही रहे, सब चीज़ प्राइवेटाइज कर दिया जा रहा, आरक्षण ख़त्म कर दिया जा रहा, तो हम लोग लड़ रहे हैं। आज भी प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू में कहा कि मैंने तो संविधान की बात ही नहीं की, बल्कि उन लोगों ने संविधान के साथ खिलवाड़ करना चाहा, वो लोग चाहते हैं कि सारा अधिकार लेकर और माइनॉरिटी। प्रधानमंत्री तो क्या क्या नहीं कह रहे, भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा, किस तरह की भाषा जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, वो प्रधानमंत्री की गरिमा को कम से कम बचा करके रखना चाहिए था, लेकिन जिस तरह की बोली भाषा उनकी हो गई है, लगता ही नहीं कि प्रधानमंत्री जो है वो बात कर रहे हैं, मुद्दे पे बात नहीं करते। एक तरफ कहते हैं नफरत फैलाते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं नहीं मैं तो कुछ नहीं कर रहा, ये उनकी कथनी अकड़नी में भारी अंतर है। बिहार में बहुत दौरे किए उन्होंने इस बार के चुनाव में, बल्कि 3 दिन तक वो रहे भी, और वो कह रहे हैं कि मैंने कनेक्ट किया है लोगों से, इसका असर दिखेगा। कहाँ कनेक्ट किए, किसी से मिले हैं कि आए हैं, भाषण दिए, चल दिए, उनको क्या पता बिहार के बारे में? जब प्रधानमंत्री को ही नहीं पता कि जिला का कैपिटल होता है कि नहीं होता है, तो उनको बिहार का क्या मतलब है? 200 रैलियां आपने की, आपको कैसे लगता है कि लोगों से आप जो जुड़े, आप जो बताना चाह रहे थे, वो किस तरीके से करें? लगभग 250 के आसपास होने जा रहा है, और लोग जो हैं, सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का, गरीबी, महंगाई, ये जो है 3 बड़े मुद्दे हैं, और इस पर जो है हम लोग जनता के बीच जाते हैं, और हम लोगों ने कहा है कि जॉब शो करेंगे, हम गारंटी देते हैं नौकरी देने की, जनता को भरोसा भी है। 17 महीने हम लोगों ने करके भी दिखाया, और नेशनल लेवल पे भी किया जाएगा इसको। आपको लग रहा है कि इस बार बेरोजगारी का इशू, जो खास तौर पे बिहार के युवाओं तक आपने पहुंचाना चाहा था, रोजगार का, स्पेशली रोजगार का, वो पहुंचा, लोगों ने अब बात करना? हाँ, नहीं, हम तो जनता की बात कर रहे हैं। जो सबसे ज़्यादा, जो समाज का जो सबसे बड़ा दुश्मन है बेरोजगारी, जो लड़के युवतियाँ पढ़ लिख कर के भी बेरोजगार हैं, हम तो उन्हीं की बात कर रहे हैं, तो ऑलरेडी कनेक्ट करने की बात है। हम कोई अपने से थोप थोड़ी ने, जो उनकी इच्छा है उसने अनुसार हम काम कर रहे हैं। बहुत सारे आरोप लगाए गए उस पर, आप क्या कहेंगे, जैसे लगातार प्रधानमंत्री के द्वारा आपसे कहा गया कि आपको जेल भेज देंगे, और इन चीज़ों, इसका मतलब है कि उनके पॉकेट में वो जिसको चाहते हैं वो जेल जाता है, जांच एजेंसी का कोई मतलब नहीं है, जो प्रधानमंत्री कहते हैं वही होना है, ये भी साबित हो गया, और लगता है कि हमको धमकी दे रहे, एक बिहारी को, 34 साल के नौजवान को, एक बुजुर्ग 75 साल के, इस तरह की भाषा बोल रहे हैं। कोई आरोप तो है नहीं, फिर भी ज़बरदस्ती घसीटा गया हमको। तबीयत को लेकर भी अब डिप्टी सीएम कमेंट कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि इस तरह के कमेंट, क्योंकि जहां तक राजनीति में कहा जाता है कि अस्थिर बरकरार रहनी चाहिए, अब बयान से सुनिए, इन लोगों को आरोप लगाना इनका काम है, कुछ बोलना है, आकाओं को खुश करना है। जिनके बारे में आप बोल रहे हैं वो 2 बार ही चुनाव जीते हैं मात्र, और दोनों बार RJD से ही जीते हैं। ये लोग बैकडोर का पॉलिटिक्स करते हैं, ये लोग क्या सामने टिकेगा? आखिरी सवाल सर, आपको लगता है आपने जितने भी अभी तक चुनाव प्रचार किए, जो चीज़ें आप पहुंचाना चाह रहे थे लोगों तक, जो एक खास तौर पे इस बार एक डायलॉग आपका बहुत पॉपुलर हो रहा है, वो टर्टर, जो खटाखट करके, जो उसको अगर आप, उसके संदर्भ क्या है, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि ऐसे ही निकला हुआ ये डायलॉग? नहीं, इसका मायने है
बिहार में आपने देखा था झटपट, जब हम बोल रहे थे झटपट नौकरी देने वाली सरकार है, तो उसी हिसाब से फटाफट नौकरी मिलेगा लोगों को, ठकाठक खाते में पैसे जाएंगे महिलाओं के, और सफाचट बीजेपी हो जाएगा। आप आश्वस्त हैं अपनी जीत को लेकर? मैं एकदम। धन्यवाद। साफ तौर पे अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर तेजस्वी यादव ने कहा कि वो आश्वस्त है अपनी जीत को लेकर। कैमरा मैन उदय के साथ आशिफ इकबाल, इंडिया न्यूज़, पटना।